एक मैया अभी ब्रह्मचारिणी होना चाहती थी। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए कि साले बच्चों के ब्याह भी हो गए हैं। तो अपने पति से बोली कि अब शरीर का नाता समाप्त करो, ब्रह्मचर्य से रहना चाहती हूं। तो उसका पति क्या कहता है, तू मुझे शरीर से छोड़ रही है तो मैं भी तुझे छोड़ रहा हूं। मतलब हद की बात है कि मनुष्य, किसी को तन चाहिए, किसी को धन चाहिए तुम्हारा, कोई पुरुष कोई स्त्री, कोई बालक कोई वृद्ध, सबको अपना 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 स्वार्थ है। तुमसे प्यार करने वाला है कौन इस संसार में? अच्छा व्यवहार करते हो इसीलिए कुछ लोग तुमसे प्यार कर लेते हैं, कुछ अच्छी योग्यता कला है इसलिए तुम्हारा कुछ प्यार कर लेते हैं, किसी का स्वार्थ सिद्ध करते हो इसीलिए प्यार कर लेते हैं, किसी को तन देते हो किसी को धन देते हो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्यार कर लेते हैं, नहीं तो तुमसे कौन प्यार करता है? इसलिए याद रखो, तुमसे अगर सच में कोई प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्यार करते हैं। जिनको तुमने कभी प्यार नहीं किया केवल वही तुम्हें प्यार करते हैं, और तुमने उन्हीं को प्यार नहीं किया। जो तुम्हारे तन को प्यार करते हैं तुमने उनको प्यार किया, जो तुम्हारे धन को प्यार करते हैं तुमने उनको अपना समझा, लेकिन कोई तुम्हारा अपना है ही नहीं। अगर सिर का एक एक बाल भी नोच कर दे दोगी ना तो भी दुनिया यही कहेगी और कुछ है क्या देने के लिए, और कुछ है क्या, मर रहे हो कुछ और दे जाओ, सब रखवा लेगी दुनिया। अरे डोकरी या अंगूठी का स्वर्ग में ले जाएगी, कौन सी बहू को दे के जा रही है, दे जा अब तो तू मरी रही है, सब उतरवा लेगी दुनिया, मरते मरते सब निकाल लेगी कुछ नहीं छोड़ेगी, जीते जी तुमसे जो कुछ निकलवा सकती थी वो निकलवा लिया, मरते मरते भी जो कुछ था वो ले लेगी। इसीलिए गोविंद से प्यार करो।